मजदूर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फाइन शाइन हैं और मज़े में हैं। और यहाँ पर जनाब इस वक्त जो है ना अबूज़र सो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं कोई DIY वर्क करती हूँ। और काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैंने कलरिंग की है, पेंटिंग की है, तो यकीन माने इतना कोई अच्छा फील होता है ना पेंटिंग करके। मैं कहती हूँ कि पेंटिंग का ताल्लुक ना किसी लड़के से है ना लड़की से है, कि ये बस लड़के कर सकते हैं, ये लड़की कर सकती है, ये ना बड़ा जो भी मज़े का करता काम ना है। खुद को बड़ा बाद में सेटिस्फाई फील करता और बड़ा ही कोई मज़ा आता है ये काम करने का। बिल्कुल अगर आप बोर हो रहे होते हैं ना तो ख़त्म हो जाती है आपकी बोरियत, 1% भी बोरियत नहीं रहती ये काम करते हुए, और ना ही इस काम से बंदा थकता है। तो मेरे पास भी एक ये मटका पड़ा हुआ था, ये ना तोतों का जो पिंजरा है ना वो खाली किया था, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे एक ही चाहिए था, तो मैंने इसी को अच्छे से वॉश किया, इसकी सारी जो डस्ट है वो उतारी थी मैंने, और मैंने सोचा कि इसको जो है ना हम मेकओवर करते हैं और अच्छा सा कलर करके तो इसको हम किचन में यूज़ कर लेंगे। ये बोतल में मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था, इसको मैंने फिर इसमें से निकाल के बोतल में से, तो इसमें थोड़ी सी मटके में मिट्टी डाल लिया और इसको मैंने जो है ना मटके में कन्वर्ट कर दिया और था। येलो कलर तो वैसे ही इतना अट्रैक्टिव होता है ना कि आप कुछ भी ना करें ना, अब मैंने बस कुछ भी नहीं किया, बस एक इसको कलर करके किचन में रख दिया, तो वो इसकी वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा किचन जो है ना वो बड़ा चेंज चेंज लग रहा है। तो बस इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन जो है अभी मैंने क्लीन नहीं किया था, नाश्ता करके तो बस ऐसे ही सारी चीज़ें रखती थी, तो अब मुझे किचन क्लीन करना था, बर्तन जो हैं वो वॉश करने थे, पूरी जो किचन की तरतीब थी ना वो ख़राब हुई हुई थी, इन सारी चीज़ों को समेट के रखना था। मैंने किचन मेकओवर करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मौसम जो है ना वो कुछ बेहतर हो जाए, जैसे ही गर्मी ख़त्म होती है ना फिर हम जो है ना मेकओवर भी करेंगे अपने किचन को, और जो है ना फिर थोड़ी सी चेंजिंग भी करेंगे। अभी तो इतनी गर्मी होती है ना, यकीन माने कि बस दिल करता है कि किचन के काम ख़त्म हो और हम जो है ना बस वापस अपने रूम में जाके तो बैठ जाएं। सर्दियों में बंदा पूरा दिन भी काम करता रहे ना तो फील ही नहीं होता। हाँ थकावट हो जाए तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन यह कि बंदा काम से उकताता नहीं है, बड़ी खुशी खुशी से काम होते हैं, लेकिन गर्मियों में तो बस बंदा कहता है कि जैसे काम ख़त्म होना वैसे ही हम पंखे के आगे बस सुकून से बैठ जाएँ। तो बस यहाँ पर बर्तन जो है वो मैंने वॉश कर लिए थे, अब जो है सिंक क्लीन करना था। इसको क्लीन करने के बाद जो है ना मैंने शेल्फ़ वगैरह और चूल्हा ये सारी चीज़ें क्लीन करनी थी, और जैसे ही मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ ना गली में से सारी बाइक सारी गाड़ियों ने तभी गुजरना होता है। खैर इनको क्या कह सकते हैं, हमारी अब्बू की गली थोड़ी है कि हम किसी को मना कर सकें, लोगों ने तो गुजरना ही है ना, लेकिन मैं
घर के जिस मर्जी कोने में चले जाऊँ, या तो अबूज़र आ जाएगा, या बाहर बैल हो जाएगी, या तो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर कि मेरी वॉइस ओवर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, किचन क्लीन करके मैं रूम में आ गई थी। अब्दुल रहीम के जो हैं कपड़े प्रेस करने थे, उन्होंने जनाब जाना था बाहर किसी दोस्त के पास, तो मुझे कपड़े अभी प्रेस करने थे। आज पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, वीकेंड होता है तो फिर जनाब हम भी कुछ ऐसा काम नहीं करते, बस काम ज़रूर करते हैं लेकिन इतना नहीं करते। अब जैसे ही वीकेंड ख़त्म होगा फिर मेरे भी काम जो है ना वो बढ़ जाते हैं। 2 दिन जो मैंने आराम किया होता है ना, वो 2 दिन की कसर फिर मंडे वाले दिन निकल जाती है। तो बस किचन जो है हमारा क्लीन हो गया, सारी जो है चीज़ें अब मैं सेट वेट करके रख रही थी इनको इनकी जगह पे वापस, और देख लें अब जैसी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अबूज़र की आवाज़ें भी मुझे आ रही हैं। खैर, अबूज़र तो जनाब साथ साथ ही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, ये इसी तरह घरों में बस खेलते मुस्कुराते रहें कि इनकी वजह से घर में रौनक है। तो अल्लाह ताला सबकी रौनकें जो है ना बस वो सलामत रखे, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। काइंडली अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।